नबी की मोहब्बत में ऐसे कर जिसकी मोहब्बत हो उसकी उसकी पसंद तेरी पसंद क्यों नहीं, उसकी नापसंद तेरी नापसंद क्यों नहीं। सरकार तो मत नमाज मेरी आंख की ठंडक है, बचा लो अपने घर वालों को, दो से क्यों थाकते, जिसका इंद निशान और पत्थर है, क्यों उनको नमाज क्यों नहीं बताते, क्यों कुरान का क्यों नहीं बताते, साहबा कराम की शान क्यों नहीं बताते, फुटबॉलर का बताते हो, क्रिकेटर का बताते हो, और दूसरे ममालिक की सारी शानें बताते हो, अपने नबी का क्यों नहीं बताते, साहबा कराम का क्यों नहीं बताते, अहले बैत का क्यों नहीं, जो उन्होंने मारी थी कुर्बानी की आज उनकी वजह से हम मुसलमान हैं, ये दादा दूर कहाँ से आए हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ थे, ये मिर्ज़ा चिश्ती 90 लाख इंसान को मुसलमान किया, हम उनके मशकूर क्यों ना हों, वो हमारे मुल्कों में आए, हमारे बड़ों को मुसलमान किया, आज वो गोबर खान से पिछड़ा पीने से गाय का बच गए, बुत परस्ती से बच गए, लेकिन वो बुत जो तोड़ने वाले अली मौलाना काबे के बुत तोड़े, वो बुत तुम्हारे अंदर है, दुनिया की मोहब्बत है, मौत से डर है, औलाद की मोहब्बत है, सोने चांदी की मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसलिए सरकार की यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुसलमान उसे दुनिया में कम होंगे, जब सूखा पत्ते को या सूखे घास के तिनके को जब दरिया का पानी भाग के ले जाए उधर ले जाए, ऐसे मुसलमानों के साथ होगा, उनकी औलादों के साथ होगा, उनकी औरतों के साथ, उनकी जदादों को छीन लिया जाएगा, उनकी जदाद दूना लूटी जाएगी, क्या मुसलमान तादाद में कम होंगे, नहीं नहीं मुसलमान तादाद में बहुत होंगे, ईमान कम होगा, मौत से डरेंगे, दुनिया की मोहब्बत में लग जाएंगे, पूछे मौला हुसैन से दुनिया क्या चीज है, दुनिया तेरे कदमे फिर भी ठोकर मार दे, बड़ी बड़ी ऑफरें हुई नहीं लिया, सरदार नदार दस 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 से ये थी, सर दे दिया पूरा खान मदा से भाकड़ा दिया, हाथ नहीं दिया, सर दे दिया, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें अब जज्बा हुसैनियत को जगाना पड़ेगा, अपने बातों से नहीं अमार से करके दिखाना पड़ेगा, इनके घर की औरतों से अपनी औरतों को सबक सीखना पड़ेगा, कहीं मिसाल ऐसी मिले ना जहाँ दिल गिरने से जरूर मिलेगी, करके दिखाया है, कहीं कहीं मैंने चूना नहीं दिया, किसी ने कोई फरियाद नहीं की, जो आया वो भी बांट दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह क्या घराना है, अल्लाह ताला हमें तौफीक, घर में किसी ने भेज दिया लैम अंधेरे में उसको बोटियाँ गई छोटी पीस सी, तो उनके कोई आए मुझे याद नहीं, ये आप अंधेरे में कर रही हैं थोड़ा सा तेल डालें दिए में, तो मैं तेल में दिया डालने तेल होता तो खाने में नहीं इस्तेमाल कर लेते, उन्होंने तो कोई शिकवा नहीं किया, उसमें भी जी ख्याल था कि ये इतनी बोटियाँ करनी है, हम थाए को भी दे रही है फलाह को भी भेजनी है, ये कराना है, बाबे ने भी लिखा है भाई खान लगा एक मुँह पाने के नवाला के छोड़ उस तो कट दे और जितने ही होते तो कट दे, कुरान का ब्याज बजान सको मिम्मा जो मैंने जो उसमें से खर्च करना है, तू कहाँ से लाया है, तू दुनिया में नंगा आया था तेरे हाथ पैर ही खाली थे, तुम कहाँ से ले गया, कर दे खर्च, मैं तेरे कई कितने गुना बढ़ा दूंगा, कितने गुना बढ़ा दूंगा, फिर भी हम नहीं खर्च, वो जान है माल है वक्त है औलाद है घर बार है, जो दिया अल्लाह ने दिया नबी थोड़े के सदके में, ये सारी दुनिया पुथारा थोड़े नबी के सदके में, उसी में से देना है, कुरान कहते कर दे खर्च उस पैसे से कहीं बेटा जो पसे पुसू छुपा के रखते हो, मैं तुम्हें कहता हूँ कई गुना बढ़ा दूंगा, तुम इसमें सूद शामिल करते हो तेरा असर भी चले जाएगा, तुम ज़कात नहीं निकालते हो तेरा असर भी चले जाएगा, कुरान ने बताया भाई ने नाजिन, इसलिए फरमाया जिक्र कर नमाज पढ़, नमाज भी जिक्र है, नमाज से फारग हो गए हो तब भी दूसरे ये भी जिक्र ही है, उस जिक्र में लग जाओ, हज से फारग हो गए हो जिक्र में लग जाओ, कुरान में वाक्य आता है बदर की जंग गजवा कितना इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के तेरी मदद आज ना ही तो क़यामत तक तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई ना होगा, अगर तेरी मदद आज ना ही तो तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई ना होगा, समझ आ रही बात, वहां से फतेह याब हुआ, अल्लाह ने फतेह याब किया, फरिश्ते मदद के लिए भेजे है ना, फरमाया आज भी फरिश्ते तू फिजाए बदर पैदा कर, आज भी फरिश्ते उतर सकते हैं कतार अंदर कतार, तू फिजाए बदर पैदा कर, कपड़ा भी तंग नहीं, रोजा रखा हुआ है, तिलचिलाती धूप है, वो फिजाए बदर पैदा कर, मान ले नबी हाजिर नाजिर देखता है सुनता है, उसकी खुशनुदी के लिए लड़ जा देखी जाएगी, जिंदगी मौत फजात के जरिए थोड़ा ज्यादा तो अल्लाह के हाथ में है, इस नबी के सदके ही मिला ना तो कर दो उसके दीन पर कुर्बान, तो बात समझ आ रही, कुरान कहता जिक्र कर ले तू जन्नत में हंसता हुआ दाखिल होगा, मैंने दुनिया में भेजा दुनिया को कहा उसको सजाने के लिए उसको कामयाब करने के लिए, अरे तू जिक्र में लग जा तू दुनिया से कामयाब जाएगा, कुरान में लिखा है,
ठीक है अल्लाह जिक्र में लग जा दुनिया तू जन्नत में हंसते हुए दाखिल होगा तू कामयाब होगा। फिर कुरान कहता है वाइजर आर द पीपल दीज आर द पीपल वेरी वाइज नॉट स्टूपिड नॉट डम हु जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े बैठे लेटे भी ये है वाइज ये है अकलमंद ये है दाना। फिर इसमें इसमें आगे आएगा तुम ये तौफीक नहीं हो सकती। अभी आपने पढ़ा शैतान मुसल्लत कर दिया जाएगा तेरी कमाई हलाल है पूछा जाएगा जिंदगी थी कहाँ खर्च की अभी से मुस्तफा सर माल कैसे कमाया कहाँ खर्च किया और जवानी कहाँ गुजारी। अल्लाह किसी शख्स है यार इस शख्स है आते आका के पास मैं रहा नहीं जा रहा क्या मुझे इजाज़त दे दे रहा मैं इजाज़त अगर तेरी बार बेटी के साथ भी ऐसी इजाज़त मांगे तो फिर मैं उसको कोई उसको इजाज़त देनी चाहिए आपको मैं आते अच्छा फार माना मान लो अच्छा फार करके तो होगी। देखो दूसरों को कहते यूँ यूँ देख तुम किसका अपने गरिमा में मुँह डाले अल्लाह ताला मार तो हंसते हुए जाओ जन्नत में जन्नत में कामयाब होकर जाओ जन्नत में जो जिंदगी आखिर के मुकाबले में ऐसे जैसे हम धमक के साथ खत्म हो गई लाइफ वी आर हियर टू मेक प्रिपरेशन फॉर द बेटरमेंट एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस ओवर देयर ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी we must avail it make the most of this time we have on this planet of earth. Bismillah.